आज हम जाने वाले अहमदाबाद से इंदौर। अहमदाबाद से इंदौर का डिस्टेंस 400 किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश में जयपुर से आगे आती है मछलिया घाटी। आज हम आपको मछलिया घाटी दिखाने वाले हैं, वो भी नाइट में बाय कार। लेट्स गो। ये व्लॉग हमने आपकी जानकारी के लिए बनाया है। अगर आप अहमदाबाद से इंदौर नाइट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने गुजरात और मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और ये जो लेफ्ट साइड पर ट्रक खड़े हैं, ये सारे यहाँ से आगे रात को आगे नहीं जाते। ये सारी गाड़ी सुबह 5 बजे के बाद ही मछलिया घाट क्रॉस करती है। ये है झाबुआ। अहमदाबाद से झाबुआ का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है। झाबुआ के बाद आगे जाने वाले व्हीकल कम हो जाते हैं। देखिए पूरा रोड खाली है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही आएगा मछलिया गांव। मछलिया गांव के बाद आता है मछलिया घाट। अभी तक 4-लेन रोड था, अभी यहाँ से सिंगल रोड हो जाएगा। तो अभी बजे रात के 2 और हम लोग क्रॉस करने वाले हैं मछलिया घाटी। यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है सिक्योरिटी के लिए कि कोई हादसा ना हो। यहाँ पर रात को कार्रवाई लगती है। कार्रवाई का मतलब होता है आगे एक पुलिस की गाड़ी रहेगी और बीच में 8 से 10 गाड़ी चलेगी और लास्ट में एक और पुलिस की गाड़ी रहेगी और घाट क्रॉस करेंगे। वैसे तो इंदौर हमारा काफ़ी बार आना जाना लगा रहता है और हम लोग ज़्यादातर नाइट ड्राइव ही पसंद करते हैं। और ये मछलिया घाट में हम एक ही रूल रखते हैं कि कुछ भी हो किसी भी हाल में गाड़ी को रोकना नहीं है। यहाँ पर सारे व्हीकल एक साथ में चलते हैं। अगर आप जाए तो अपनी कार को बीच में रखें, अकेले ना जाए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिंगल रोड और घाट की ढलान ज्यादा होने की वजह से ट्रक स्पीड में चढ़ नहीं पाते हैं। मछली घाटी दिन में जितनी खूबसूरत और अच्छी लगती है उतनी रात में ही खतरनाक और डरावनी हो जाती है। वैसे तो मछलिया घाटी के कई चोरी डकैती के किस्से हैं कि रात में वह गाड़ियों को लूट लिया जाता है और इस वजह से रात को कम व्हीकल निकलते हैं। देखिए मेरी जानकारी के हिसाब से पहले ऐसा था कि रात को जो भी गाड़ियां यहां से निकलती थी उन गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों को शिकार बनाया जाता था। जैसे कि वो ये लोग रोड पे कील वगैरह डाल देते थे या फिर मेन ग्लास पे अंडे फेंकते थे। उसकी वजह से क्या है कि भाई हम लोग ड्राइवर तो सीधा वाइपर चलाएगा तो सीधा पानी के अंदर शैम्पू भी होगा तो पानी और शैम्पू के साथ वाला पानी की वजह से पूरे ग्लास पे जाग जैसा हो जाता था तो ड्राइवर को कुछ दिखेगा ही नहीं। अब दिखेगा नहीं तो गाड़ी ऑब्वियसली रोकनी पड़ेगी दोनों किस्सों में। तो ये फिर ये गाड़ियों को लूट लेते थे। और ऐसे भी यहाँ पर ढलान काफ़ी होने की वजह से नॉर्मल जो ट्रक होते हैं जो लोडिंग वाले वो तो चढ़ ही नहीं पाते। वो बहुत उनकी स्पीड बहुत कम होती है और ये कम होने की वजह से ये लोग क्या ऊपर चढ़ जाते थे और फिर सामान खोल के ले लेते थे और ड्राइवर भी गाड़ी नहीं रोकते थे। उनको भी मालूम है कि जितना निकल गया बाकी गाड़ी नहीं रोकेंगे। गाड़ी रोकेंगे तो अपन भी गए, उससे बढ़िया है कि भाई चलते रहो। ये जो भी हो रहा था इनकी मजबूरी थी। अभी ये हादसे कम हुए हैं, अभी लोग समझने लगे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, अभी लोग काम पर जाने लगे हैं, तो हादसे कम हुए हैं। अगर आप रात को अहमदाबाद से इंदौर जा रहे हैं अपनी पर्सनल कार लेके तो हो सके तो दिन में ट्रैवल करें, मछलिया घाट पर नाइट ट्रैवल अवॉइड करें, बाकी आप बस से जा सकते हैं। देखिए आगे जो भी ट्रक जा रहे हैं वो सारे एक साथ में चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये सब डेली चलने वाले, इनको सब पता होता है कि कैसे चलना है क्या करना है, तो इनको कोई दिक्कत आती नहीं है। अरे अरे रुको, ये क्या है?
यहाँ पर प्रशासन की ओर से जगह जगह पर लिखा है, सावधान चोरी क्षेत्र, कानवाई में चले, सुरक्षित रहे। और बड़ी बात तो तब हुई, एक बार मैं दिन में वापस आ रहा था और इसी घाट पे मैंने गाड़ी को रोका और स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की और उन्हें पूछा कि ये क्या लिखा है। तो इन बेचारों को तो ये मालूम ही नहीं था कि ये क्या लिखा है, ये तो अनपढ़ है और बहुत गरीब भी है लोग। तो मैं तो एक सामाजिक कार्य करूँ तो ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह ला के बच्चों को वगैरह सबको दे हम लोग। ये तो हम करते हैं तो थोड़ा यहाँ भी करेंगे। पर स्थानीय लोगों की मांग उठी थी कि ये सारी लिखाई मिटाई जाए, कुछ लोगों की वजह से हम भी बदनाम हो रहे हैं, ये गाँव वालों को भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से। वैसे भी यहाँ पर अभी नया रोड बन रहा है जो पूरा फ्लाईओवर की तरह होगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। काम चालू है, बड़े बड़े घाट होने की वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, कुछ साल में काम पूरा हो जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। घाट समाप्त। हम मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन के आभारी है कि हमें रात 2 बजे भी सेफ साइड घाट क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से 104 किलोमीटर है। सेफ रहे, खुश रहे।